नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। धर्मनगरी हरिद्वार की विधानसभा ज्वालापुर देहात के ग्राम गढ़मीरपुर के ही सड़कें दिन प्रतिदिन यहां पर हालत जो है वो बेकार होती हुई नजर आ रही है और गांव के कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर सड़कों पर बड़े बड़े खड्डे बन चुके हैं और जिसके चलते आए दिन ही कोई ना कोई दुर्घटना घटने के साथ ही जल भराव की स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बताते चलिए आपको कि इसके बावजूद भी इन सड़कों की मरम्मत करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है और सड़कों की बदतर स्थिति को देख लेकर ही यहां पर स्थानीय लोगों को खासी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं जिम्मेदार विभाग और जन प्रतिनिधि इसे कोई बड़ी समस्या नहीं मान रहे हैं। मेरा नाम नौशाद है, गढ़मीरपुर का रहने वाला हूँ। राम है और जी, यह सड़क जो है ना कम से कम 8 साल से ये हाल है सड़क का। विधायक जो है ना राठौर भी रहे, उससे पहले भी रहे, स्कूलों में बच्चे जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। अब देखो कितना पानी पड़ा है, कोई इसकी सुनवाई नहीं है। कहा वोट मांगने के लिए होने था यहाँ बड़े बड़े, उसके बाद कुछ नहीं, कोई नहीं आता, कोई ध्यान नहीं देता, कुछ भी नहीं। अम्बेडकर स्कूल है, उसमें बच्चे जाते हैं, बहुत दिक्कत हो गई, कपड़े ठा ठा के जा रहे। हम ये चाहते हैं कि यहाँ से वहाँ तक क्या रोड बन जाओ। आ जाओ भाई जी, तुम भी यहाँ क्या रोड बन जाओ, हमें फिर कोई गिला शिकवा नहीं आएगी जी सभी। और इसी खबर पर हमारे साथ हरिद्वार से हमारे सहयोगी इंतजार रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंतजार, जिस तरह से सड़कों पर जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है, लोगों को कितनी यहां पर परेशानी देखने को मिल रही है? बिल्कुल सुमन, देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो मामला है, ये सड़क की जो दुर्दशा है, ये विधानसभा ज्वालापुर और ब्लॉक भादराबाद के पंचपुरी गढ़मीरपुर का ये मामला है जहां पर इस सड़क की जो हालत है वो दयनीय है। और यहां ग्रामीणों के द्वारा यहां पर बताया गया है कि लगभग 10 सालों से इस सड़क पर कोई निर्माण या फिर मरम्मत कार्य नहीं किया गया, जिसके बावजूद आज इस सड़क की जो हालत है वो गंभीर स्थिति में है। और यहाँ इस पंचपुरी गढ़मीरपुर का एक मात्र इंटर कॉलेज भी इसी सड़क पर पड़ता है, जहाँ जो पूरे पंचपुरी के जो बच्चे हैं वो इसी गंदे पानी और इस टूटी फूटी सड़क से होकर यहाँ पर गुजरते हैं। तो किसी भी जनप्रतिनिधि या प्रशासक की अगर हम बात कर लें तो इस सड़क पर किसी का ध्यान नहीं जाता है और सभी लोग इस पर निर्माण और इसका जो मरम्मत है उसे करने से बचकर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी इंतजार, सड़क पर गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, इससे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, इसको लेकर लोगों ने कोई शिकायती पत्र दिया है अभी तक? बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि जो ग्रामीण है, ग्रामीण क्योंकि इस सड़क की जो स्थिति है, तस्वीरों में हम साफ देख सकते हैं कि स्थिति दयनीय है और पूरी तरीके से सड़क जो है बद से बदतर हालात से यहाँ पर लोग गुजर रहे हैं और सड़क की जो स्थिति है वो दयनीय है। तो लोगों का यहाँ आरोप है कि तमाम जो जनप्रतिनिधि केवल यहाँ पर चुनावी मैदान में बड़े बड़े दावे और वादे यहाँ पर करते हैं, जो इस सड़क को देखकर यहाँ पर खोखले यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो वहीं ग्रामीणों ने साफ तौर पर यहाँ पर कहा है, कितनी बार उन्होंने प्रशासन और जनप्रतिनिधि के लिए यहाँ पर रोड की मांग की है, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि और प्रशासक का सारा ध्यान इस सड़क की ओर गया हो। जी बिल्कुल इंतजार, जिस तरह से यहाँ पे स्थिति देखने को मिल रही है और लोगों का साफ तौर पर भी कहना है, सिर्फ दावे किए गए हैं लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। विगत 2 सालों से बंद पड़े सृष्टि सर्विस स्टेशन पर आज से पेट्रोल डीजल मिलना शुरू हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है और पेट्रोल पंप बंद होने के कारण लोग जो है नौगांव के चक्कर लगाने को मजबूर थे। नगर पंचायत पुरोला में ही स्थिति जो है वो बता दें आपको कि शिष्ट सर्विस स्टेशन विगत 2 सालों से कंपनी के बकाया भुगतान के चलते बंद पड़ा था और अब कंपनी का बकाया चुकाने के बाद सृष्टि सर्विस स्टेशन पर आज पेट्रोल डीजल मिलना शुरू हो गया है। आपको जानकारी दे दें कि उत्तरकाशी जनपद के ही यमुना घाटी में नौगांव और पुरोला में मात्र 2 सर्विस स्टेशन हैं और पुरोला सर्विस स्टेशन विगत 2 सालों से बंद पड़ा था, जिससे लोग पेट्रोल डीजल के लिए नौगांव के चक्कर काटने पर और इसके साथ ही ब्लैक में खरीदने को मजबूर हो गए थे। और आज से सृष्टि सर्विस स्टेशन पर सभी सुविधाएं फिर चालू होने के बाद लोगों ने अब राहत की सांस ले ली है। लोगों को अब पेट्रोल डीजल के लिए नौगांव के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। और वहीं सृष्टि सर्विस स्टेशन के संचालक विनोद हिमानी का कहना है कि ग्राहकों को पेट्रोल पंप पर मिलने वाली सारी सुविधाएं अब पहले से बेहतर दी जाएंगी। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्तरकाशी से जुड़ चुके हैं सुमित कुमार। सुमित, जिस तरह से पेट्रोल को लेकर लोग परेशान हो रहे थे, पेट्रोल डीजल के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ रहा था, अब किस तरह से इन समस्याओं का निपटारा हो गया है?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही उत्तर गाजीपुर क्षेत्र में बड़कोट में ये मामला है, जहां पर पेट्रोल पंप कई समय से यहां पर बंद था, तो यहां पर जो लोग हैं, जो यहां पर के स्थानीय लोग हैं, वो काफी परेशान दिख रहे थे। जैसे ही प्रोला में ये पेट्रोल पंप अब स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ के लोगों को काफी राहत के साथ जरूर यहाँ पर मिली, क्योंकि वहाँ से उन्हें 3-4 किलोमीटर की दूरी वहाँ पर तय करनी थी और पेट्रोल पंप को तेल भराने के लिए जाना था, तो यहाँ पर काफी भीड़ भी लग जाती थी, जहाँ पर स्थानीय लोग काफी परेशान हो जाते और काफी दिक्कतों का सामना करते। अब जैसे ही ये पेट्रोल पंप यहाँ पर सुचारू हुआ, जैसे आज ही पेट्रोल पंप स्टार्ट हुआ, तो यहाँ के जितने भी स्थानीय लोग है, जितने ग्रामीण लोग है, वो अब एक राहत की सांस जरूर ले रहे हैं। जी जी सुमित, जिस तरह से बताया ये भी जा रहा है, इसको लेकर काला बाजारी भी यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, जिसके कारण लोगों की जेब पर ज्यादा भारी पड़ रहा था। हाँ जी, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक मामला है, जैसे कि यहाँ पर पेट्रोल पंप में जैसे रोक लगी थी, तो जैसे ही यहाँ पर स्थानीय लोगों ने यहाँ पर काफी अच्छी पहल की, यहाँ के जो प्रतिनिधियों ने काफी अच्छी पहल की और यहाँ पर जैसे मामला जिला स्तर पर पहुंचा, तो यहाँ पर जो पेट्रोल पंप पे अब जैसे यहाँ पर आज से ये पेट्रोल पंप चालू हुआ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोग हैं वो एक रात के साथ जरूर ले रहे हैं और किसी का एक माहौल जरूर है, क्योंकि पहाड़ों में सबसे दिक्कतें जैसे कि यहाँ पर जो वाहनों की आवाजाही होती है, जो पेट्रोल पंप कहीं मामले के सामने आते हैं, जहाँ पर गाड़ी रुक जाती है और तेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पर पेट्रोल पंप दूर भी थी, तो कई बार यहाँ पर रात के समय पर कई लोग काफी दिक्कतों का सामना भी यहाँ पर किया है, और जैसे ही अब पेट्रोल पंप चालू हुआ, तो कहीं ना कहीं एक स्थानीय लोगों के लिए और ग्रामीणों के लिए एक जरूर राहत वो है। जी जी सुमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो उत्तरकाशी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, पेट्रोल पंप फिर से चालू हो गया है, जिसने बाद ही अब लोगों ने राहत की सांस ली है, और इसके साथ ही आपको बता दें कि काला बाजारी से भी लोगों को अब छुटकारा मिला है। हरिद्वार के सिरगुल में मौजूद ट्रक पार्किंग को लेकर कल कुछ ट्रांसपोर्टरों ने ही प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर पार्किंग संचालकों पर आरोप लगाए थे, जिसको लेकर अब पार्किंग संचालकों ने भी पूरे मामले को लेकर अपना पक्ष रखते हुए पार्किंग स्थल के अंदर एक प्रेस वार्ता कर कहा कि ट्रांसपोर्टर को ही आरोप लगा रहे हैं, वो बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद हैं, और सिरगुल में मौजूद हमारी पार्किंग सरकारी मानकों के अनुसार चल रही है, जबकि ट्रांसपोर्टर की अपनी मनमानी कर रहे हैं और इनके ट्रक चालक नाहक ही कंपनियों और सर्विस लेंस के अलावा मेन हाईवे पर अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं, जिस कारण लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही इस मामले को लेकर हमारी और ट्रांसपोर्टरों की अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है, फिर भी ट्रांसपोर्टर अपनी मनमानी पर तुले हुए हैं, और हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता, ईश्वर आखिरकार उसकी मदद के लिए किसी न किसी को भेज ही देता है, ऐसी कहावत सच होती दिखाई दे रही है। बता दें आपको कि चमोली जिले के सुद्ध प्रसिद्ध लाटू देवता धाम वाण गांव में एक बुजुर्ग महिला धामती देवी चारा पत्ती लेने पास के ही जंगल में गई थी और उन्हें घायल अवस्था में एक मृग का नवजात शिशु विलखता हुआ पड़ा मिला, और पहले तो धामती देवी ने समझा कि उसकी माँ भी यही कहीं आसपास होगी, तो उन्होंने उसे दूर से ही उसकी निगरानी की, लेकिन जब काफी देर हो गई और नवजात शिशु मृग की माँ का कहीं अता पता नहीं चला, तो फिर धामती देवी नवजात शिशु मृग के पास गई और उसके घावों पर घरेलू उपचार करने के बाद उसे दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन नहीं पीने के बाद महिला ने गाँव के सामाजिक कार्यकर्ता हीरा सिंह गढ़वाली को इसकी सूचना दी और दोनों मिलकर मृग के बच्चे को ही पशु चिकित्सालय उपचार के लिए ले गए, जहां डॉक्टरों ने छोटे से मृग के बच्चे का उपचार किया। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि पौड़ी के ही देवप्रयाग थाना क्षेत्र अंतर्गत अलकनंदा नदी में दो नाबालिग सगे भाइयों के बहने से परिवार में हड़कंप मच गया है। आपको बताते चले कि जल पुलिस और इसके साथ ही एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है, मगर दोनों भाइयों का अभी तक नदी में कुछ पता नहीं चला है। थाना देवप्रयाग पुलिस के मुताबिक 12 वर्षीय आदेश और 8 वर्षीय अभिषेक अपने दो दोस्तों के साथ अलकनंदा नदी के ही किनारे खेलने
गए थे और इस दौरान ही अभिषेक का पैर फिसला और वहीं नदी में जा गिरा, जिसे बचाने के लिए आदेश ने भी अपनी जान की परवाह किए बगैर नदी में छलांग लगा दी। नजारा देखने के बाद दोनों दोस्त जो थे वो डरकर गांव पहुंचे और उन्होंने घटना की जानकारी परिजन को दी, जिसके बाद सूचना प्रशासन के बाद पहुंची पुलिस ने ही, और इसके साथ ही जानकारी मिलने के बाद SDRF की टीम जल पुलिस के साथ घटना स्थल पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाना शुरू किया। बता दें आपको कि SDRF के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवाड़ ने बताया है कि नदी के किनारे परिजन भी गांव वालों के साथ मिलकर बच्चों की खोजबीन करने में लगे हैं और पौड़ी की SSP श्वेता चौबे ने बताया कि बच्चों की तलाशी के लिए जल पुलिस और SDRF हर संभव प्रयास कर रहा है। कल शाम की घटना है, 5 बजे के आसपास बच्चे वहाँ खेल रहे थे बता रहे, और वो नदी में उनकी बॉल चली गई थी तो बता रहे बच्चे कुछ नीचे बॉल लेने के लिए गए थे शायद, और CBHO ने पानी में चला गया एक बच्चा, उसको बचाने के चक्कर में एक दूसरा उसका जो भाई था वो, ये बताया जा रहा है कि वो भी उसको बचाने के आगे बढ़ा तो ये दोनों वहाँ से बाद में पता चला कि वहाँ से नदी में बह गए हैं। और जैसे ये पता चला तो तुरंत ही हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा भी और मेरे द्वारा भी तुरंत रेस्क्यू टीम वहाँ पे SDRF को, हमारी जल पुलिस और गोताखोर को तुरंत ही वहाँ पे एक्टिवेट किया गया, फायर सर्विस को आपदा PC को उन्होंने वहाँ पर भेजा। मैं स्वयं भी वहाँ रात भर रहा हूँ और ये रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। महाशिवरात्रि पर्व के तहत वीरभद्र मंदिर में हर साल लगने वाले मेले में मनोरंजन के लिए झूले भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये झूले बगैर फिटनेस और इसके साथ ही आपको बता दें लगाए जा रहे हैं, जिससे मेले में मनोरंजन और आकर्षण के केंद्र झूलों से हादसे की आशंका है। मंदिर परिसर में लगाए गए झूले करीब 100 फीट ऊंचे हैं। स्थानीय प्रशासन से झूले लगाने के लिए संचालकों ने परमिशन मांगी थी, जिस पर प्रशासन ने संबंधित महकमों की NOC उपलब्ध कराने के निर्देश संचालक को दिए थे और संचालन के मुताबिक महज अग्निमिशन और स्वास्थ्य विभाग की NOC की ही उपलब्ध कराई गई है, जबकि फिटनेस सर्टिफिकेट और इसके साथ ही इसको लेकर भी बताया जा रहा है कि रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है और ऐसे में बगैर फिटनेस और इसको लेकर झूलों का संचालन होने से लोगों की जान के जोखिम में होने की आशंका है। और SDM नंदन कुमार ने बताया है कि झूलों से जुड़ी तमाम NOC मिलने के बाद संचालन की अनुमति दी जाएगी, बावजूद लापरवाही मिलती है तो संबंधित संचालक पर नियम अनुसार कार्रवाई होगी। बता दें कि झूलों के लिए फिटनेस टेस्ट भी अनिवार्य होता है। इसमें वीरभद्र मेले के लिए अनुमति है तो प्रार्थना पत्र दिया गया है और इसमें पुलिस और अग्नि विभाग अग्निशमन विभाग के जो उनका जो रिपोर्ट है आंखें ले ली गई है, उनके आधार पर इनको अनुमति दी जाएगी। झूलों में किस तरह की इनके फिटनेस होनी चाहिए और फायर और अन्य संबंधी जो भी इनके पास सुविधाएं होनी चाहिए उस पर विचार विमर्श करके उस तरह से इनको निर्देशित किया जाएगा और तभी इनको अनुमति दी जाएगी। मेडिकल व्यवस्था भी, हाँ, इस तरह की सारी व्यवस्थाएं, मेडिकल फर्स्ट एड की व्यवस्थाएं भी वहाँ पे उपलब्ध हो, ये भी सुनिश्चित किया। जिला मुख्यालय पौड़ी में एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। शहर की पौड़ी श्रीनगर रोड पर श्रीनगर की ओर से आ रही विद्युत पोल से भरा ट्रक पौड़ी बस अड्डे के समीप उलट गया। जानकारी देते हुए पौड़ी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक गोविंद कुमार ने बताया है कि श्रीनगर से पौड़ी की ओर आ रहा ट्रक, जिसमें विद्युत पोल रखे हुए थे, पौड़ी बस अड्डे की चौड़ाई पर उलट गया। दरअसल इस ट्रक में क्षमता से अधिक पोलों को लादा गया था और पोल निर्धारित मानकों के अनुरूप ना होकर गाड़ी से काफी बाहर थे। ओवरलोड होने के चलते ही ट्रक के अगले पहिए मोड़ पर ही सड़क से ऊपर उठ गए और जिससे ट्रक के पीछे लदे पोल बाहर निकल आए। लेकिन गनीमत यही रही कि इस दौरान वाहन चालक और आसपास के राहगीर पोलों की चपेट में नहीं आए और इस दौरान सड़क के दोनों ओर जाम की स्थिति भी पैदा हो गई। भारी मशक्कत के बाद पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारू किया, साथ ही ओवरलोडेड ट्रक पर चालानी कार्रवाई की गई है। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला रोड पर मौजूद गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में कार्यरत सेवादार की पेचकस मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने ही हत्या करने वाले युवक को हिरासत में लिया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। दरअसल ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक लक्ष्मण झूला रोड पर मौजूद गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के प्रबंधक की ओर से सूचना मिली कि उनके सेवादार
45 वर्षीय कपिल शाह को बाहर के एक संदिग्ध युवक ने गुरुद्वारे के गेट पर पेचकस मार दिया था और जिसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में ले जाया गया और जहां स्थिति खराब होने की वजह से सेवादार को एम्स के लिए रेफर किया गया। एम्स में ही डॉक्टरों ने जांच के बाद सेवादार को मृत घोषित कर दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस गुरुद्वारा श्री हेमकुट साहिब पहुंची, जहां गुरुद्वारे के कर्मचारियों ने पेचकस मारने वाले युवक को पकड़ लिया था और पुलिस ने पूछताछ करने के बाद गुरुद्वारा श्री हेमकुट साहिब में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चेक करे और पेचकस मारने वाले युवक को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया, जिसके बाद गिरफ्तारी की गई और इसके साथ ही आपको बता दें जिसके बाद कोतवाली भी युवक को लाया गया। टिहरी जिले के ही देवप्रयाग थाना क्षेत्र में सोमवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और स्थानीय लोगों ने इस हादसे के लिए रेलवे की कार्यदायी कंपनी LNT को ही दोषी ठहराया है, जिसको लेकर लोगों ने सड़क पर हंगामा भी किया और सड़क हादसे की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे करीब 4 घंटे बंद रहा। बताया जा रहा है कि LNT की ही हेल्पर कंपनी JS ग्लोबल एक्सप्रेस एजेंसी के ट्रक जिसमें सीमेंट भरा हुआ था, वो सेगमेंट की बेल्ट खुलने के कारण बीच हाईवे पर पलट गई और इस दौरान वहां से गुजर रहे स्कूटी सवार 55 साल के गोविंद सिंह चौहान ट्रक चपेट में आ गए और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गोविंद सिंह चौहान भले गांव बागवान के ही रहने वाले थे और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को क्रेन की मदद से बाहर निकाला जा सका, जो कि सीमेंट के गाटर के नीचे दबा था। वहीं देवप्रयाग पुलिस ने जनता को शांत कराकर चालक निजाम पुत्र सद्दीक निवासी अजमेर राजस्थान मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। कनखल थाना के ही जगदीतपुर में बताया जा रहा है कि राजा गार्डन में पूर्व भाजपाइयों ने जिला अध्यक्ष और कांग्रेस नेता कुख्यात गैंगस्टर अमरदीप चौधरी की गोली मारकर हत्या करने के पुलिस ने खुलासा कर दिया है और हत्याकांड में शामिल उत्तर प्रदेश मेरठ के रहने वाले अभियुक्त राजकुमार मलिक और दोनों बेटे मानू और मलिक, इसके साथ ही बताया जा रहा है कि हर्षदीप मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कार्तूस भी बरामद किया गया है। पुलिस द्वारा इन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा और यह भी बताया जा रहा है कि SSP अजय सिंह का साफ तौर पर कहना है कि कल देर रात कनखल थाना क्षेत्र में अमरदीप चौधरी की गोली मारकर हत्या की गई थी और इसमें पुलिस द्वारा तुरंत मुकदमा दर्ज कर कई टीमों का गठन किया गया। जांच में हत्याकांड में 3 नाम सामने आए। पुलिस ने मेरठ निवासी राजकुमार मलिक और उसके दोनों पुत्र मानू मलिक और हर्षदीप मलिक को गिरफ्तार कर लिया है और हथियार को भी बरामद किया गया है और बताया जा रहा है कि एक हथियार मौके पर भी बरामद हुआ था और पुलिस द्वारा अभियुक्तों से पूछताछ की गई, जिसमें पता चला कि हत्या की वजह पैसों के लेन देन का विवाद था। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। कल रात्रि कनखल थाना क्षेत्र में अमरदीप चौधरी की गोली मारकर हत्या हो गई थी। इस संबंध में FIR पंजीकृत होने के बाद जो है इसमें टीमों को लगाया गया था। 3 नाम जो प्रकाश में नामजद आए थे उनकी तलाश की जा रही थी। आज उनको तीनों लोग को जो अभियुक्त है राजकुमार उसके 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे हत्या में प्रयुक्त असला भी बरामद कर लिया गया। 1 असला मौके पर भी बरामद हुआ था, जिसकी नियमानुसार जो कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ अभियुक्तों से पूछताछ भी की गई है, जिनको कल माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। पौड़ी नगर पालिका क्षेत्र में बने शहीद स्मारक के इर्द गिर्द स्वच्छता को पलीता लगाया जा रहा है। यहाँ शहीद स्मारक के पास ही शौचालय के पीठ से खुलेआम शौच के बहाने मामला सामने आया है और जिससे शहीदों का अपमान है। वहीं इस गंभीर मसले का जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने संज्ञान लेते हुए नगर पालिका को उक्त भवन स्वामी के खिलाफ 133 की धारा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान का कहना है कि ऐसी धरोहरों को नुकसान पहुंचाना अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए ऐसे भवन स्वामी के खिलाफ जल्द कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और साथ ही शहर में घूम रहे आवारा पशुओं को जल्द से जल्द काजी हाउस में शिफ्ट करें। जो वीडियो मेरे संज्ञान में आपने लाया है, तो उसके क्रम में SDM और EO के स्तर से रिपोर्ट मांगी जा रही है और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई जो भी की जानी है वो की जाएगी। तो
थोड़ी जो अभी रिव्यू मीटिंग थी उसमें गौशाला का निर्माण 95% तक हो चुका है और नगर पालिका को इस संबंध में वैसे भी निर्देश दिए जा चुके हैं कि आवारा पशुओं को नियंत्रित करते हुए जो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जानी की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।